नमस्कार दोस्तों, नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल से मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं यहाँ आपको बताने जा रही हूँ कि किन परिस्थितियों में डॉक्टर इनकी सिजेरियन डिलीवरी के लिए करते हैं। कुछ डॉक्टर अच्छे होते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अंतिम समय तक प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसों की लालच में अगर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो भी ऑपरेशन कर देते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपकी पहली बार ऑपरेशन से डिलीवरी हुई है तो दूसरी बार कोई चांस नहीं होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, होती है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि पहली बार उनका किसी परिस्थितियों बस ऑपरेशन हुआ है लेकिन दूसरी बार में उनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी होती हैं जहाँ पर ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और अगर आपको इसकी जानकारी है कि नहीं जो डॉक्टर कह रहे हैं वो सही है तो डॉक्टर की बात मान लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, पहले के समय में भी बहुत ऐसा होता था, कुछ स्त्रियां मर जाती थीं। पहले भी ऐसा होता था कि डिलीवरी के समय में माँ और बच्चा कभी कभी दोनों नहीं बचा पाते थे लोग, तो ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं। लेकिन इन परिस्थितियों से हम कैसे निपट सकते हैं, क्या कुछ हम सावधानी कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियां मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसमें कि ऑपरेशन मजबूरी में डॉक्टर को करना ही होता है। लेकिन दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को नीचे का लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि इस तरह की जो भी जानकारियां मैं लेकर के आऊँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, इसमें सबसे पहली जो वजह होती है वो ये कि जो गर्भद्वार होता है वहाँ की जो हड्डियाँ होती हैं वो किसी किसी की, जैसे ये हड्डी है इतनी मोटी और फैलाव है इसमें, और किसी किसी की बारीक होती हैं। जैसे एक हमारा शरीर का ढांचा है, आप मुझे ले लीजिए कि मैं बहुत पतली दिखती हूँ, उसी तरह से मेरा जो गर्भद्वार था वो शुरू से ही पतला था। इस बात की जानकारी मुझे जब मेरा पीरियड आया था तभी से पता चल चुका था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। तो उस समय हमने डॉक्टर को दिखाया था, कम से कम मैं 17-18 साल की रही होंगी जब मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने कहा कि ये जो तकलीफें इनको पीरियड के समय में आती हैं वो शादी के बाद ठीक हो जाएगी। लेकिन मेरी शादी के बाद में ये संभव नहीं हो पाया, क्योंकि शादी के महज 15 दिन के अंदर मैं गर्भवती हो चुकी थी, तो इसलिए ये संभव नहीं हो पाया। जो महिलाएं हैं वो समझ रही होंगी कि समस्या कहाँ खड़ी हुई। तो ये एक समस्या होती है, अगर ऐसा कुछ है आपके साथ में तो उन परिस्थितियों में अगर आपका गर्भद्वार का मुंह ही पहले से ही नैरो है, यानी कि पतला है, तो वहां से बच्चे को जन्म देने का मतलब है बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा। मेरी डिलीवरी के समय में 4 घंटे की देरी घर से जाने में हो गई थी, डॉक्टर ने कहा बच्चा निकल चुका है, क्योंकि मैं इस बात को जानती थी कि वाकई में ये बात सही है। क्योंकि जिस समय मुझे लेबर पेन चालू था, रात में 3 बजे के लगभग मैं उठी थी, मैंने घर वालों को बताया, मेरी दीदी थी, और उन्होंने कहा कि जाओ, और मेरे पति आकर के वापस से बैठ गए। उसके बाद में मेरी दीदी को भी लगा कि अभी रात का समय है, बस ऐसे थोड़ा सा कचरा गया है, और सब लोग सो गए। सुबह उठ करके उन्होंने मुझे पराठा चाय दे दिया, मैं खा रही थी, और मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा दीदी को कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जब भी दर्द आता है तभी तुम रुक जाओ, जब भी दर्द चला जाता है तो तुम खा लो। तब तक मेरी कामवाली आ गई, उन्होंने देखा और वो चिल्लाना शुरू कर दी कि आप लोग पागल हैं क्या, इनका लेबर पेन चालू है, जल्दी इसे लेकर के हॉस्पिटल जाइए। वहाँ पर भी बहुत सी समस्याएं हो गई कि मेरे पति ने ले जाकर के मुझे लाइन में बिठा दिया। जब डॉक्टर को ये बात पता चली, मुझे बाथरूम भेजा गया था, तो डॉक्टर ने बहुत गुस्सा किया, मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, इसे यहीं पर छोड़ देती हूँ। इसके अलावा जो भी और परिस्थितियाँ होती हैं कि डॉक्टर को सिजेरियन करना पड़ता है, उनमें है आपके शरीर में खून की कमी। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो, खून अत्यधिक मात्रा में जाता है, लेकिन आपके शरीर में अगर खून की कमी है तो आपको कमजोरी होना, इस परिस्थिति में डॉक्टर को आपका सिजेरियन करना होता है। या फिर जब आपका 9वां महीना लगता है उस समय आपका बच्चा तिरछा हो गया है, उल्टा हो गया है, या फिर आपका बच्चा पेट में पौटी कर दिया है। क्योंकि जिस समय बच्चा पेट में पौटी कर देता है तो उसके मुंह में पौटी के चले जाने का खतरा होता है, जिससे कि उसकी जान को खतरा होता है, और इस परिस्थिति में डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है। लेकिन जहां बात पौटी की आती है, वहां न हमारे हाथ में कुछ होता है न डॉक्टर के हाथ में कुछ होता है।
ये एक परिस्थिति हो जाती है और जहाँ हड्डियां, जो मैंने कहा कि नैरो यानी कि वो जो गर्भ द्वार का रास्ता होता है वो पतला होता है, यहाँ पर भी न डॉक्टर के हाथ में कुछ है न आपके हाथ में कुछ है। और जो कमजोरी होता है, खून की कमी होती है, इन चीजों को महिलाएं जिस समय से गर्भवती होती हैं वह स्वयं इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, खुद का ख्याल रखते हुए इन चीजों पर नियंत्रण कर सकती हैं। जैसे कि पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, आयरन की गोलियां जो डॉक्टर देते हैं वो, आयरन युक्त भोजन, फाइबर युक्त भोजन कीजिए, हेल्दी शुद्ध ताजा स्वच्छ भोजन कीजिए, घर में काम जरूर करिए थोड़ा बहुत, अगर आपको डॉक्टर ने कहा है तो ही आप रेस्ट लीजिए, नहीं तो थोड़ा बहुत काम करते रहिए, और अगर आपको काम नहीं करना है, आपके घर में काम वाली है, तो फिर आप बाहर टहलिए, बाहर खुली हवा में टहलिए, नहीं तो घर में ही टहलिए, लेकिन टहलिए। ये चीज एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा एक तितली जो होती है, तितली जिस तरह से उड़ती है दोनों पंख फैला करके, ठीक उसी तरह से यहाँ पर मैं आपको इमेजेस दे रही हूँ, इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करना है जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। इसके अलावा आपको मैंने बताया है चक्की आसन, इसे करिए, इससे भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। नहीं तो फिर आप जैसे पालथी मार करके बैठते हैं, इस तरह से अपनी दोनों जांघों के बीच में गैप बना करके बैठिए ताकि वहां का जो रास्ता है उसमें फैलाव आ सके। तो ये आपके हाथ में है, ये सब आप कर सकती हैं। इसके अलावा और क्या वजह है ऑपरेशन की, वो मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। प्लेसेंटा यानी कि गर्भनाल का बच्चेदानी के मुंह के पास होना, अगर गर्भनाल बच्चेदानी के मुंह के पास होती है, ऐसी परिस्थिति में बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल पाता है, और इन परिस्थितियों में बच्चे की जान को खतरा होने की वजह से डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है। या फिर बच्चे का वजन ज्यादा हो, या फिर बच्चे जुड़वा हो, तो जुड़वा में भी नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन कभी कभी दोनों बच्चे अगर जरूरत से ज्यादा हेल्दी हैं तो डॉक्टर को सिजेरियन करना पड़ता है। अगर गर्भवती स्त्री का ब्लड प्रेशर बार बार बढ़ जाता है तो इन परिस्थितियों में भी डॉक्टर को ऑपरेशन का डिसीजन लेना पड़ता है। या फिर बच्चा आपका बहुत कमजोर है और जिस समय बच्चा वजाइना से निकलता है यानी कि आपके गर्भ द्वार से निकलता है, ऐसी परिस्थिति में अगर आपका बच्चा बहुत कमजोर है तो डॉक्टर उसे ऊपर से ही ऑपरेशन करके निकाल देना जरूरी समझते हैं ताकि बच्चे की जान बचाई जा सके। क्योंकि अगर बच्चा कमजोर है, उसकी धड़कने कम है, तो इन परिस्थितियों में बच्चे के लिए दब करके बाहर निकल पाना संभव नहीं हो पाता है, तो इस परिस्थिति में भी डॉक्टर को ऑपरेशन करना पड़ता है। ये कुछ ऐसी परिस्थितियां थी जहाँ डॉक्टर को मजबूरी में ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन आज के समय में इस चीज को कभी कभी डॉक्टर झूठ बोल करके भी लोगों को फंसा देते हैं, बहकाते हैं, और ऐसा कर देते हैं कि इन परिस्थितियों में से कोई एक परिस्थिति है जिसकी वजह से कि हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम डॉक्टर से ये कह दें कि नहीं हमें नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है। हम जो लक्षण होते हैं उसको देख के समझ सकते हैं, जैसा कि लेबर पेन यानी प्रसव पीड़ा होता है, रह रह करके हल्का हल्का दर्द उठता है, लेकिन असहनीय दर्द नहीं होता है, ये थोड़ा मिठास भरा दर्द होता है जैसा कि मैंने महसूस किया है। तो यहाँ पर ऐसा असहनीय दर्द नहीं होता है, बस पता चलता है जो समुद्र की लहरें होती हैं उस तरह से दर्द उठता है, आता है जाता है, आता है जाता है। अगर 10-15 दिन पहले यानी कि अभी आपका प्रसव नजदीक नहीं आया है, 10-15 दिन पहले से भी पीड़ा उठती है तो कभी कभी आती है, चली जाती है, फिर दोबारा नहीं आती है। लेकिन जब प्रसव काल नजदीक आ गया यानी कि अब प्रसव आपका हो जाएगा, तो उस समय 2-2 मिनट, 3-3 मिनट, 5-5 मिनट पे जल्दी जल्दी दर्द आता है जाता है, ये होता है लक्षण। तो अगर ऐसा कुछ है, आपको भयानक दर्द नहीं हो रहा है, आपको सफेद पानी जा रहा है या खून मिश्रित पानी, गुलाबी पानी जा रहा है, आपको पानी की थैली समझ में आ रही है कि आपको निकल रही है, ये सब परिस्थितियां हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। जो पेट में पोटी कर देता है बच्चा, या फिर आपका गर्भ द्वार जो होता है वो संकुचित है, तो ऐसी परिस्थितियां आपको भी नहीं पता चलेंगी। तो उस समय हमारे हाथ में नहीं होता, डॉक्टर के ही हाथ में होता है और हमें उन्हीं के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैंने यहाँ पर बताया वह आपके लिए थोड़ा बहुत मददगार साबित होगा, और अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।